गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रास लीलो इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से एडवोकेट पंकज जोशी आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए लैंडमार्क डिसीजन की कहानी में एक और कहानी आपको सुनाते हैं और उसका लीगल आधार आपको देते हैं कि लीगल बेस क्या होगा, कौन कौन से रूल उसमें फॉलो करेंगे, यहाँ पर एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया जाएगा या एक्यूट किया जाएगा। ये हमारी कहानी का सारांश है, ये हमारी कहानी का बेस है। तो आज की आइए कहानी जो आपसे कहती है वो क्या उम्मीद करती है देखिए। यहाँ पर जो कहानी है, दो किरदार हैं यहाँ पर कहानी के, पहला ए जो एक्यूज्ड है और दूसरा बी जो डिसीज्ड है। एक्यूज्ड ए, इस कहानी के अनुसार एक्यूज्ड ए ने बी को किसी कारणवश मार देता है क्योंकि इनके पहले किसी बात को लेकर कहासुनी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, जिसमें ए बी को धमकी देता है कि मैं तुझे बहुत जल्दी मार दूंगा, तुम्हारा मर्डर कर दूंगा, ऐसा वो कहता है और इस बात की चश्मदीद गवाही कुछ गवाह देते हैं। ए बी को मार देता है 28 अक्टूबर को और बी की जो लाश है वो रिकवर होती है 12 नवंबर को। यहाँ पर 28 नवंबर को कुछ गांव वालों ने ए को उस जगह से आते हुए देखते हैं या उस जगह से उसे गुजरते हुए देखते हैं जहाँ से लाश बरामद की गई थी। इसके कुछ चश्मदीद गवाह होते हैं जो ए को उस जगह से आते हुए देखते हैं जिसके हाथ में एक लाठी होती है, एक बम्बू स्टिक होती है। ये गवाही वो कोर्ट में देते हैं, एविडेंस कोर्ट में देते हैं। और दूसरा, उसके हाथ में एक बम्बू स्टिक होती है जहाँ पर वो 28 अक्टूबर को जहाँ मर्डर किया था या जो ऐसा हुआ था वो मर्डर हुआ था, ऐसा वो कहते हैं। और वहाँ पर वो उस दिन आता है बम्बू स्टिक लेकर। लाश बरामद होती है 12 नवंबर को। और फिर इस कहानी में ट्विस्ट आता है कि ये जो एक्यूज्ड है ये मृतका के भाइयों के पास जाकर, दो भाइयों के पास जाकर ये कन्फेस करता है कि हाँ, तुम्हारी बहन का मर्डर मैंने ही किया है, तुम्हारी बहन को मैंने ही मारा है। इस बात को वो कन्फेस करते हैं जिस बात का एविडेंस कोर्ट में दिया जाता है। मृतका और इन लोगों के मध्य जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन होता है उनमें भाई बहन का रिश्ता था। ये दो भाइयों के पास जाकर ये कन्फेस करता है कि तुम्हारी बहन को, तुम्हारी सिस्टर को मैंने ही मारा है और मैंने उसका मर्डर कर दिया है। मेडिकल रिपोर्ट और क्या कहती है यहाँ पर वो बात की बात है। इसका ट्रायल चलता है और ट्रायल में यहाँ पर इस एक्यूज्ड को कन्विक्ट कर दिया जाता है। इस कन्विक्शन को हाई कोर्ट मेंटेन रखता है और ये कन्विक्शन को 302 के आधार पर इस एक्यूज्ड को सजा दे दी जाती है, इसको कन्विक्ट कर दिया जाता है 302 के आधार पर। मामला आगे बढ़ता है और सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू, खुद का दृष्टिकोण यूज करता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यहाँ पर जो कंट्राडिक्शन आता है वो सेक्शन 45 एविडेंस वर्क काम करता है। मेडिकल रिपोर्ट, यहाँ पर मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है कि इस औरत को कुल्हाड़ी से मारा गया था, इस औरत को कुल्हाड़ी से किल किया गया है, इसके जो घाव हैं या जो इसके मरने का कारण है इसको किसी शार्प एज से मारा गया है जिससे पेड़ काटे जाते हैं, उस कुल्हाड़ी से इस औरत का मर्डर हुआ है। यहाँ पर चश्मदीद गवाह कहते हैं कि जिस रोड से वो आ रहा था उसके हाथ में लाठी थी, कुल्हाड़ी तो थी नहीं। यहाँ पर एक जबरदस्त कंट्राडिक्शन पैदा होता है और वो कुल्हाड़ी जिससे मारा गया, वो धारदार हथियार मारा गया, वो कभी रिकवरी नहीं होता है। दूसरा, मृतका का ब्लड सैंपल और इस ब्लड का जो सैंपल जो इनको पुलिस ने रिकवर किए वो ब्लड सैंपल आपस में कभी मैच नहीं करते हैं। अब इसके पीछे कहानी क्या थी इसका भी कोई अता पता नहीं है, लेकिन ये दोनों ब्लड सैंपल आपस में मैच नहीं करते हैं। यदि उस मृतका को कुल्हाड़ी से मारा गया था इस एक्यूज के द्वारा, तो इसके कपड़ों पर जो खून के धब्बे मिले वो आपस में मैच करने चाहिए थे, मगर ऐसा नहीं होता है। कंट्राडिक्शन फिर यू टर्न लेता है, कहानी यू टर्न की तरफ जाती है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने दो पॉइंट ऑफ व्यू पैदा होते हैं कि वो किस पर रिलाय करे। वो यदि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन पर रिलाय करती है जो एक वीक टाइप का एविडेंस है, जो एक बहुत ही वीक टाइप का एविडेंस है जिसको कोरोबरेट करने के लिए बहुत सारे पुख्ता एविडेंसेस की जरूरत पड़ती है जो यहाँ पर है नहीं, तो क्या एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के आधार पर इस इंसान को कन्विक्ट किया जा सकता है या नहीं। कहानी में एक मोड़ आता है, कहानी में एक ट्विस्ट आता है और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर
एक नया मोड़ लेती है, नया रुख लेती है, और वो कहती है कि यहाँ पर जो ये आदमी है यदि अपना कन्फेशन भी करेगा तो क्या उन लोगों के सामने करेगा जो मृतका के रिश्तेदार थे? यदि उसको ऐसा ही करना होता, अपने अपराध को कबूली करना होता, इस तरह का कोई सीन ही करना होता तो नेचुरल है वो पुलिस के सामने भी कर सकता था। यदि उसे उन लोगों को बताना जो मृतका के डायरेक्ट रिश्तेदार हैं तो नेचुरल है वो वहाँ पर जाकर ये कहानी वो पुलिस को भी बता सकता था। उसको ये सब कहकर, मृतका के भाइयों को कहकर अपने आप को फंसाने का कोई चाव तो था नहीं। मृतका के सामने वो जाकर, उसके भाइयों के पास जाकर वो सारी कहानी सुनाएगा तो ये तो अपने आप को फंसाने वाली बात होगी। तो ये बात तो वो पुलिस के सामने भी कह सकता था, ये बात वो कोर्ट में भी कह सकता था, मगर उसने भाइयों के सामने कुछ कहा क्योंकि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जनरली अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए या उस माहौल में राय देने के लिए या मन का बोझ हल्का करने के लिए या उस मामले में आगे किया किया जाए ऐसा करने के लिए कन्फेस किया जाता है। फंसाना ही है अपने आप को, तो पुलिस है ना, FIR है, पुलिस है, ऐसा वो वहां पर कर सकता है। यदि उसको अपने आप को फंसाना ही है तो ऐसा उसका उद्देश्य किसी भी अपराधी का नहीं होता। आप और मैं भी होते तो ऐसा नहीं करते कि जाकर उस इंसान को बताएंगे जो मृतक का रिश्तेदार है, ऐसा हम क्यों करेंगे, ऐसा हम कभी नहीं करेंगे, किसी भी हालात में नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की बात है वो लगभग फैब्रिकेटेड होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस फैक्टर को डिनाई कर दिया। तो इस मृतक को, इसके भाइयों को जाकर कहने की क्या जरूरत थी? दूसरा यहाँ पर कंट्राडिक्शन आता है, मेडिकल रिपोर्ट कह रही है यहाँ पर इस डिसीज की मृत्यु कुल्हाड़ी से हुई है और यहाँ पर कुल्हाड़ी से उसको मारा गया है और चश्मदीद गवाह कह रहे हैं उसके हाथ में एक लाठी थी। मोटिव यहाँ पर टोटली एब्सेंट था कि उस औरत को ये आदमी क्यों मारे गया, ऐसा कोई मोटिव नहीं था। यहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ था जो कॉमन चीज है गाँव में, किसी भी बात पर लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, मगर क्या उस लड़ाई झगड़े के कारण कोई किसी का मर्डर कर देगा क्या? यहाँ पर एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इंसान हमेशा अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, पत्नी को इत्यादि को करता है, किसी अननोन पर्सन को एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कोई नहीं करता है। जैसे वध फिल्म में वो जो किरदार होता है उसके हाथों एक मर्डर हो जाता है इंसिडेंटली या प्रोवोकेशन के कारण, तो वो अपनी सारी कहानी अपनी वाइफ को बताता है, वो सारी कहानी को वाइफ को बताना चाहता है, जहाँ पर वाइफ को बताने से उसका दिल का बोझ हल्का हो जाता है, वो परेशान हो रहा होता है, वो घुटरा होता है, तो सारी कहानी अपनी वाइफ को बताता है जिससे उसका मन का बोझ हल्का हो जाता है। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन किसी अननोन या स्ट्रेंजर के सामने कोई भी नहीं करेगा। यदि वो ऐसा करना ही चाहेगा तो पुलिस के सामने जाकर अपनी व्यथा को खोलेगा, पुलिस के सामने जाकर बताने की कोशिश करेगा कि हाँ साहब मैंने ऐसे ऐसे किया है, किसी अननोन पर्सन को एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कोई भी नहीं करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे फैक्ट्स देखे, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को उलट दिया, उसने अपना एक जुडिशियस माइंड अप्लाई किया और कहा कि इस मामले में जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है वो अपनी परिभाषा को ही पूरा नहीं कर रहा है कि कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, इवन बेवकूफ से बेवकूफ इंसान जिसे कहते हैं कि अपने कन्फेशन उस इंसान के सामने नहीं करेगा जो मृतका का या मृतक का निकटतम रिश्तेदार है, इसका मतलब तो डायरेक्ट फंसाने वाला काम हो गया। भगवान के सामने कर सकता है, बड़बड़ा सकता है, खुद का खुद को बोल सकता है, दोस्त है, भाई है, कोई भी नॉन पर्सन है उसके सामने कर सकता है, मगर अननोन पर्सन के सामने क्यों करेगा? एक सीधी सी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजों फैक्टर को लेते हुए यहाँ पर इस एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया, उसे बरी कर दिया और सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को बिल्कुल रिवर्स कर दिया, बिल्कुल उलट दिया। तो ये थी आज की हमारी कहानी जो ये कहती है कि आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की एविडेंटरी वैल्यू क्या है, वो किसी भी ट्रायल में क्या रोल निभा सकती है, क्या वो सब स्टेंशियल पीस ऑफ एविडेंस है या करोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है, करोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है तो कितना उसका भार कितना है, उसका वेटेज कितना है, उसका मूल्य कितना है, क्या एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के आधार पर किसी भी एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया जा सकता है क्या, या किसी और साक्ष्यों की इससे ज़रूरत पड़ेगी। ये आज की हमारी कहानी थी जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नया पॉइंट ऑफ व्यू लेते हुए कहा कि एविडेंटरी वैल्यू एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की है
बहुत ही वीक टाइप का एविडेंस है, बहुत ही वीक टाइप का एविडेंस है। यहाँ पर इसको करोबेटिव एविडेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बहुत ज़्यादा करोबेटिव एविडेंस चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर ये वीक टाइप का एविडेंसेज है। इस आधार पर सारे दृष्टिकोण को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को, इस चीज़ को है रिहा कर दिया। केस का नाम था प्रभात भाई वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात, केस का नाम था। बहुत लैंडमार्क डिसीजन है जो आपके एविडेंस की वैल्यू को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, एलिब्रेट करता है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हमारा प्रेजेंटेशन पसंद आ रहा होगा। तो आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपना कमेंट जरूर दें। यदि आप लोकल स्टूडेंट हैं या आप लीगल से कनेक्टेड हैं तो आप हमें हमारा कमेंट दें, क्योंकि आपके कमेंट आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। आपके जो कमेंट हमें मोटिवेट करते रहेंगे आगे कुछ अच्छा करने के लिए, अच्छा ज्ञान लाने के लिए, क्योंकि आपके कमेंट ही हैं जो हमारे लिए यार्ड स्टिक का काम करेंगे। तो आपसे एक बात रिक्वेस्ट है कि आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हार्दिक नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन, थैंक यू वेरी मच।